हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ सूर्यकांति महापात्र, इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास वन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रामर चैप्टर 3, सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। एडिंग एस, मतलब यहाँ बहुवचन में एस ऐड करना है। बच्चों, पहले से हम इस चैप्टर का आधा रिविजन कर चुके हैं, अभी हम नंबर बी करेंगे। नंबर बी, अंडरलाइन द नाउन्स इन दिस सेंटेंस इफ इट इज सिंगुलर और वन। राइट द लेटर एस इन द ब्लैंक। इफ इट इज प्लूरल और मोर देन वन, राइट द लेटर पी इन द ब्लैंक्स। टू हैव बीन डन फॉर यू। ये सेंटेंस में नाउन को अंडरलाइन करो। अगर नाउन सिंगुलर या एक होगा तो ब्लैंक्स में एस लेटर लिखो, और अगर प्लूरल या एक से ज़्यादा होगा तो ब्लैंक्स में पी लेटर लिखो। जैसे कि द काओ इज बिग, यहाँ काओ नाउन है बच्चों, इसे अंडरलाइन करो, और ये सिंगुलर है तो यहाँ एस लिखो। नंबर टू, थ्री बार्स आर फ्लाइंग, यहाँ बार्स नाउन है और ये प्लूरल है तो यहाँ पी लिखो बच्चों। नंबर थ्री, द गर्ल्स आर प्लेइंग, यहाँ गर्ल्स नाउन है तो गर्ल्स में अंडरलाइन करो बच्चों, और ये प्लूरल है तो यहाँ पी लिखो। नंबर फोर, द टैप इज ओपन, यहाँ टैप नाउन है तो अंडरलाइन करो, और ये सिंगुलर है तो यहाँ एस लिखो। नंबर फाइव, द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ कैट नाउन है अंडरलाइन करो, और ये सिंगुलर है तो एस लिखो। नंबर सिक्स, द पिंस आर शार्प, यहाँ पिंस नाउन है अंडरलाइन करो बच्चों, और ये प्लूरल है तो यहाँ पी लिखो। नंबर सेवन, द बेक्स आर ग्रीन, यहाँ बेक्स नाउन है अंडरलाइन करो, और यहाँ बेक्स प्लूरल है तो पी लिखो। नंबर एट, ब्रिंग मी द पेंसिल्स प्लीज, यहाँ बच्चों पेंसिल्स नाउन है, इसे अंडरलाइन करो, और ये प्लूरल है तो यहाँ पी लिखो। बच्चों, आज के लिए इतना ही रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी रिवीजन करेंगे। थैंक यू।